सोलरा एपीआई कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। स्टॉक थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि लॉसेस आए हैं इस क्वार्टर में और काफी अच्छे खासे लॉसेस हैं। क्या यहां पर बाय करना चाहिए? काफी अच्छा टाइम कंसोलिडेशन हो चुका है इस स्टॉक में। आइए जरा चलकर व्यू करते हैं कि क्या होगी इसकी आगे की रणनीति इस स्टॉक में। सबसे पहले अगर सेल्स की बात की जाए, सेल्स 18% की दर से गिर चुकी है इस क्वार्टर में। यहां पर करीब करीब 337 करोड़ रुपए की सेल्स आई है, जो पिछले साल इनके पास में 411 करोड़ की सेल्स थी। तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है कंपनी का। पैट और भी ज्यादा नुकसान है, काफी तकड़े लॉसेस हुए हैं कंपेयर टू प्रॉफिट। देखिए नेगेटिव ट्रेंड शुरू हुआ है, कॉस्ट ऑफ इनपुट एक्सपेंस जंप कर रहे हैं। यहां पर 31 करोड़ का नुकसान आया है कंपेयर टू 50 करोड़ के प्रॉफिट के। तो ये एक चैलेंजिंग पोजिशन बन सकती है आगे आने वाले समय में स्टॉक के लिए। फ्यूचर प्रोजेक्शंस, अगर फिर से कोई बड़ी चैलेंज आता है तो फार्मा स्टॉक फिर से काफ़ी तेजी से सेल्स बढ़ेगी। बट नॉर्मल में एपीआई, जो जेनरिक एपीआई बना रहे हैं, इनकी डिमांड आगे रहेगी स्पेशली यूएस के रीजन से। व्हाट वी लाइक, कॉस्ट ऑल्सो लो। तो ये नहीं है कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी हुई है, रिलेटिवली कॉस्ट मटीरियल की कंज्यूम जो है वो लो है यहाँ पर। बट एक चीज जो हमें अच्छी नहीं लगी, जो यहां पर चेंज इन इन्वेंट्री हुई है, वो थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बना रहा है। देखिए ये एक एपीआई की स्पेसिफिक कंपनी है जिसका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है और 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट है इनकी यहां पर, और यूएस एफडीए ऑडिट अक्रॉस डिफरेंट साइट्स में 25 बार इन्होंने सक्सेसफुल पास किया है। तो ये एक अच्छी कंपनी है, एक्टिव फार्मा साइंस सोलरा। आइए जरा चलकर इसके रिजल्ट को अगर देखें तो जो चीज हमें नहीं अच्छी लगी है इसमें वो ये है, करंटली जो इनके पिछले साल के इन्वेंट्री कॉस्ट थी वो यहां पर चेंज इन इन्वेंट्री -72 करोड़ के आसपास थी, अब ये करीब करीब 10 करोड़ की प्लस इन्वेंट्री है। तो 80 करोड़ का नेट यहां पर डिफरेंस है जो इनका प्रॉफिट को लॉस में भी कन्वर्ट कर दे रहा है। ये थोड़ा सा अकाउंटिंग का एक नेगेटिव टर्म है जिसकी वजह से स्टॉक भी आज देखिए 402 के लेवल से गिरकर 380 के लेवल के आसपास है। यहां पर रिजल्ट आने शुरू हुए 400 के आसपास से और करीब इसने 20 रुपया उसके तब से अब तक नीचे गिर दिया है। 50 डे मूविंग एवरेज करीब 370 के आसपास है, यहां शायद सपोर्ट ले सकता है ये, और साथ साथ में आज का वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। देखिए 3 लाख से भी ज्यादा शेयर हैंड एक्सचेंज हो चुके हैं ऑलरेडी। सुपर ट्रेंड लग रहा था कि अगर अच्छे रिजल्ट आते तो इसको तोड़कर बाय सिग्नल जनरेट कर देता, बट अभी ये यहां पर सेल सिग्नल मेंटेन है 397 के स्टॉप लॉस के साथ में, RSI 52 जो कि थोड़ा सा अभी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। बुलिंजर बैंड काफी बड़े विड्थ से निकलकर काफी नीचे कंसोलिडेशन हो चुका है, यहां से शायद ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा जब कंसोलिडेशन रेंज के बाहर निकल के आएगा। तो अभी के लिए चाहें तो गिरावट में इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म की दृष्टि से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, बट ध्यान रखना 2% ज्यादा आप इसमें निवेश ना करें। और अगर हमारी ट्रेड्स को कॉपी करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड मेंबर बनकर 299 के पैकेज लेकर। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। ट्रेडिंग करनी है, मेल ड्रॉप करेंगे। जय हिंद जय भारत।